दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है तेजस फाइटर जेट, ये इंडिजिनियस है और यहाँ पर अपनी उड़ान भरी। टोटल 45 मिनट तक इस पूरी उड़ान को यहाँ पर इन्होंने एंजॉय किया और इस दौरान आसमान में उड़ान भरते वक्त कुछ देर के लिए जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं इनको भी इन्होंने खुद ऑपरेट किया है। वैसे तेजस के बारे में आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि तेजस जो है वो स्वदेशी है। भारत के लोगों ने, भारत के साइंटिस्ट ने इस पूरे फाइटर जेट को अपने आप बनाया हुआ है और साथ में जो बेंगलुरु में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो फैसिलिटी है उसका दौरा भी यहाँ पर मोदी जी ने किया था। और आपको पता होगा कि तेजस जो है ये भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। यह बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान भी है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 12 एडवांस्ड SU 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए राज्य के स्वामित्व वाली जो HAL कंपनी है उसको एक टेंडर जारी किया है और ये भी कहा गया है कि जो 12 SU 30 MKI लड़ाकू विमान है इनको खरीदने के लिए HAL को एक टेंडर जारी जो किया गया है, जिसका निर्माण HAL के द्वारा जो रूसी मूल उपकरण निर्माता हैं उनके साथ साझेदारी में भारत के अंदर ही किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट भी है भारत में। और अभी आपने देखा कि ज़्यादातर जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये जो रक्षा उत्पादें हैं इनके स्वदेशी उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में उनके विनिर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा यहाँ पर दिया है। और जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस है इसको कई देश हैं जिन्होंने खरीदने में भी रुचि दिखाई है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज जिनका नाम है GE एरोस्पेसिस ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक समझौता साइन किया है वहाँ पर था। और वहीं देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अप्रैल में कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा था कि यह देश के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि भी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।